बाइक की चोरी करने वाले एक कुख्यात आरोपी को पांच पावली पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सोनू मुन्ना राम टेके है और उससे कुल 1,05,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक रवि नागोसे ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच पावली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दरमियान उन्हें वैशाली नगर अंबेडकर गार्डन के पीछे धामनकर आटा चक्की के पास एक युवक संशयास्पद अवस्था में दिखाई दिया, जिसके चलते पुलिस जब युवक से पूछताछ करने गई तो पुलिस को देख उसने वहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे तत्काल अपनी हिरासत में ले लिया। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने गुनाहों की कबूली की। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक रवि निकोसे ने अधिक जानकारी साझा की। आमच्या पोलीस पेट्रोलिंग पार्टी पोलीस हवालदार नंदकिशोर वालदे हे पेट्रोलिंग करत असताना संध्याकाळी दरम्यान एक वैशाली नगर एरियामध्ये एक संशयित आढळून आला। पोलिसांना पाहून तो त्यांच्या पथकांना पाहून तो पळत होता, तर त्याला पकडून त्याची विचारपूस केली असता त्या आमच्या इथं दाखल एक 86/2022 असा चोरीचा गुन्हा दाखल होता। त्या गुन्ह्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आली आणि त्याच्याकडून 2 मोटरसायकल जप्त करण्यात आले असून एकूण 1 मोटरसायकल 85,000 आणि दुसरी ही 20,000 असे 1,05,000 मुद्देमाल जप्त केले आहे। आरोपी सोनू रामटेके व 21 वर्ष राहणार लष्करी बाग आहे, त्याच्यावर यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत का हे आम्ही आता पुढील तपासामध्ये आम्हाला माहिती होईल, पुढील तपास सुरू आहे। पुलिस ने आरोपी से कुल 1,05,000 का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी का नाम सोनू मुन्ना राम टेके है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।